बच्चों हमारी आपकी यात्रा जो एडिटोरियल पर एक्सरसाइज की है वो निरंतर चल रही, और यात्रा आप अपने नवी पड़ाव पर यानी नाइन्थ सेशन जो आपका है उस पर संबंधित जो एक्सरसाइज है वो यहाँ तक आ पहुंची है। और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि ज्यादातर बच्चे आप में इसे रिवाइज कर रहे होंगे, सारी जो एक्सरसाइज मैं तैयार करा रहा हूँ आपको इसे प्रिपेयर कर रहे होंगे, और ताकि आगे ये आपके एग्जाम्स में और अधिक बेहतर तरीके से उपयोगी साबित हो सके। चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट लेवल पे आपको, जो आपको और बेहतर तरीके से तैयारी कराएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। तो ये है आपके सामने द हिंदू एडिटोरियल सेशन 9 की एक्सरसाइज, और सीधे शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ये आपके सामने सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा या बेस्ट होगा बच्चों? मिलाना सीखें, क्लूज लेना सीखें, और फिर ये देखें कि कौन से के बाद कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। ये तो क्लियर है आपका, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज के बाद आपको जोड़ना है, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज एंड सम फार्मर्स एसोसिएशन होगा, या सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द ग्राउंड दैट द मूव हैज रिड्यूस्ड द अथॉरिटी होगा, या सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली द अपोजिशन होगा, या सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज वर अपसेट विद द नोटिफिकेशन होगा, और लास्ट में भी है टू अ पपेट ऑफ द सेंटर। आपको PQRS का आपको आंसर देना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। देखें बच्चों, क्या पहला ऑप्शन तय कर रहे हैं आप? यहां सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज है, पार्टीज क्या बेस्ट ऑप्शन बच्चों? सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो बेस्ट ऑप्शन आपका होगा स्पेशली द अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन में भी क्या है, पार्टीज ही हैं, तो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज के बाद जब भी आएगा क्या आएगा आपका, स्पेशली द अपोजिशन आएगा। ठीक है, अब हमारा क्लियर है कि आर जो है वो सबसे पहले आएगा, तो अगर आर सबसे पहले आएगा तो हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं कि उनमें क्या चीजें हमको दे गई। आर यहां पर है, यहां पर भी आर है, यहां पर एस है, मैटर खत्म करते हैं, यहां पर क्यू है, मैटर खत्म। अब हमारे पास 50-50 है, और 50-50 में आपको तय करना है कि आर के बाद क्यू आएगा या आर के बाद पी आएगा। क्या आएगा बच्चों? सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली द अपोजिशन, अब क्यू लेते हैं, स्पेशली द अपोजिशन ऑन द ग्राउंड दैट, क्या ऑन द ग्राउंड दैट के पहले कोई वर्ब ही नहीं आपके पास है। देखें, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, स्पेशली द अपोजिशन हो गया, ऑन द ग्राउंड, और फिर दैट से पूरी क्लास शुरू हो गई, तो क्या इस पहली वाली क्लास की वर्ब है आपके पास? नहीं, इसका मतलब ये क्यू नहीं आएगा, और अगर क्यू नहीं आएगा बच्चों तो ये ऑप्शन फिनिश, अब ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, और ये भी फिनिश, तो आंसर क्लियर है आपका, आर के बाद क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, स्पेशली द अपोजिशन, विशेष रूप से जो अपोजिशन है, विपक्ष है, अब यहां पे क्या है, आर पी के बाद एस है ना, स्पेशली द अपोजिशन पी लेते हैं, एंड सम फार्मर्स एसोसिएशन, सही है ना, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, विशेष रूप से जो विपक्ष है, और कुछ फार्मर्स एसोसिएशन यानी किसानों के जो संगठन है ये, और फिर एस, वर अपसेट, अब देखिए वर्ब आ गए, वर अपसेट विद द नोटिफिकेशन, यानी वो नोटिफिकेशन से अपसेट थे, कौन सा नोटिफिकेशन? ऑन द ग्राउंड, इस तर्ज पर दैट की द मूव हैज रिड्यूस्ड द अथॉरिटी, कि उस कदम ने हैज रिड्यूस्ड द अथॉरिटी, अथॉरिटी को सीमित कर दिया है, कहां तक? टू अ पपेट ऑफ द सेंटर, यानी उसे कहां तक क्या बना दिया उसने? सेंटर का पपेट। वैसे भी जो बच्चे अच्छे होंगे वो जानते होंगे, जिस सीमा तक कम करके ले आया जाता है वो सीमा तक रिड्यूस्ड टू होता है। तो जब भी आएगा क्यू के, क्यू आपका लास्ट में ही आएगा बच्चों, एक ही में देखिए क्यू क्या है आपके लास्ट में है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा जरूर अच्छे से इसको, कोई भी दिक्कत होगी बोलिएगा।
ये दूसरा प्रश्न आपके सामने बच्चों, बोले इट इज आर्ग्यूड दैट, यानी ये तर्क दिया जाता है दैट कि व्हेन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाज इन एग्जिस्टेंस, जब यूनियन मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री जो थी वो वाटर रिसोर्सेज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज अस्तित्व में थे बिटवीन जून 2018 टू मई 2019, जून 2018 से मई 2019 तक, देयर वॉज नो पब्लिक नोटिफिकेशन, तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। कौन सा ऑप्शन सबसे पहले लेना चाहेंगे बच्चों? ये थे पहले तय है आपका, इट इज आर्ग्यूड दैट ही होना चाहिए, क्योंकि यहां दैट है तो फिर इट इज आर्ग्यूड दैट बेहतर होगा। बोले बच्चों, इट इज आर्ग्यूड दैट, अगर आपको पता है कि इट इज आर्ग्यूड दैट होगा तो ये ऑप्शन हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, 50-50 हो गया एलिमिनेशन राउंड के कारण। अब हमारे पास पी आर क्यू एस और पी आर एस क्यू है बच्चों, दोनों जगह पी आर है तो आपकी आसानी हो गई कि पी के बाद आर आएगा, इससे आसान हो जाता है। इट इज आर्ग्यूड दैट बिटवीन जून 2018 टू मई 2019 हो गया पी आर। अब हमको देखना क्यू आएगा या एस, तो बिटवीन जून 2018 टू मई 2019 देयर वॉज नो पब्लिक नोटिफिकेशन व्हेन, ये आएगा, या इट इज आर्ग्यूड दैट बिटवीन जून 2018 टू मई 2019 व्हेन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज वॉज इन एग्जिस्टेंट देयर वॉज नो पब्लिक नोटिफिकेशन। आपको पता है बच्चों व्हेन किसके लिए लगता है, किसके लिए बच्चों? याद है आपको, समय के लिए, और समय कहां दिया गया है, यहां। तो जब भी आएगा ये जो आर है ये इसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, तो आर के बाद दोनों में देखिए किसमें क्यू है, यहां आपको दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, तो आर के बाद क्यू हो गया, इसका मतलब आपका ऑप्शन ये होगा और ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लूज लेकर चल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में आप बोलें, मैं हर हाल में आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। कहीं भी कुछ लग रहा हो सर ये क्यों नहीं हुआ, ओके चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एलॉन्ग द सी डब्ल्यू एम ए, यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी एलॉन्ग द सी डब्ल्यू एम ए फोर अदर बॉडीज, चार अन्य निकाय और ये पहले नंबर पे है, इसका मतलब ये तो रहेगा ही। अब आपको चूज करना है कि इसके बाद क्या आएगा, इंक्लूडिंग को शामिल करके द कृष्णा एंड द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स, ये आएगा, या वर डिजाइंड डेजिग्नेटेड टू बी अंडर द मिनिस्ट्री, ये आएगा, या विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 2014 या फॉलोइंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आएगा पहले नंबर के बाद, देख लें बच्चों, मिलाएं, मिलाना सीखें। अगर आप पहले से दूसरा नहीं मिला पा रहे हैं तो बाकी जो कड़ियां हैं उनमें जोड़ें कि हां इसके बाद ये आ सकता है तो भी आसान होगा। बोले बच्चों कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, आ रहा है समझ बच्चों? यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलॉन्ग द सी डब्ल्यू एम ए फोर अदर बॉडीज, इसे ऐसे समझ सकते हैं, फोर अदर बॉडीज एलॉन्ग विद द सी डब्ल्यू एम ए, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, फोर अदर बॉडीज। ठीक है, अभी फोर अदर बॉडीज सी डब्ल्यू एम ए के साथ और इंक्लूडिंग किसको लेकर के बच्चों, द कृष्णा एंड द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स। अभी इंक्लूडिंग किससे जुड़ता बच्चों, इसी फोर बॉडीज से ना, इसी से ना इंक्लूडिंग जुड़ता, इसका मतलब पहले के बाद जब भी आएगा पी आएगा।
अब अगर पी आएगा, चलिए कुछ और देख लेते हैं, अगर हम सोच सकते हो, एलॉन्ग विद द सी डब्ल्यू एम ए फोर अदर बॉडीज वर डेजिग्नेटेड, ज्यादातर बच्चों को मन में आ सकता है, लेकिन देखें वर डेजिग्नेटेड टू बी अंडर द मिनिस्ट्री, क्यू ले रहे हैं अगर आप तो क्यू से कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैटर फिनिश। और क्या ले सकते हैं आप, एलॉन्ग विद द सी डब्ल्यू एम ए फोर अदर बॉडीज विच हैव बीन, हो सकता है विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 2014, ठीक है, तो पहले आर ले रहे हैं, आर का हमारे पास है दो जगह, एक में आर के बाद एस है और एक में आर के बाद पी है, देखते हैं। तो एलॉन्ग विद द सी डब्ल्यू एम ए फोर अदर बॉडीज विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 2014 इंक्लूडिंग द कृष्णा, अभी विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 2014 के बाद इंक्लूडिंग कैसे आई, इंक्लूडिंग द कृष्णा एंड द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट, चलिए ले भी लेते हैं, पी ले लिया हमने, फिर आर के बाद पी है, फिर क्या है क्यू, क्यू है वर, हो सकता है, चलिए मान लिया ये भी, वर डेजिग्नेटेड टू बी अंडर मिनिस्ट्री, तो फिर ये फॉलोविंग कहाँ जाएगा बच्चों, फॉलोविंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश का इस अंडर द मिनिस्ट्री से कहाँ रिलेशन है, तो ये फिनिश हो गया आर। अब आर के बाद एस देखते हैं, एलॉन्ग विद द सी डब्ल्यू एम ए फोर अदर बॉडीज, फोर अदर बॉडीज विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 2014 फॉलोविंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, बिल्कुल हो सकता है, आर के बाद एस हो सकता है, फिर क्यू है वर डेजिग्नेटेड, बिल्कुल सही, वर डेजिग्नेटेड टू बी अंडर द मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग द कृष्णा, ये भी इंक्लूडिंग क्या मिनिस्ट्री में शामिल है बच्चों, नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे हैं पी क्यू और पी आर, तो पी हमने कहा था पहले ले सकते हैं क्योंकि इन फोर अदर बॉडीज में इंक्लूडिंग शामिल हैं कौन, द कृष्णा एंड द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स, तो फिर हमें पी के बाद क्यू लेते हैं तो क्यू आ जाएगा वर डेजिग्नेटेड टू बी अंडर द मिनिस्ट्री। अब आर है फिर विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 2014, नहीं हो सकता है बच्चों, क्यों, क्योंकि मिनिस्ट्री के लिए अगर आप ले रहे हैं विच हैव बीन तो फिर नहीं होगा, इसका मतलब क्यू के बाद आर नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब एक ऑप्शन बचा हमारे पास, देखते हैं ये भी, एलॉन्ग विद द सी डब्ल्यू एम ए फोर अदर बॉडीज इंक्लूडिंग द कृष्णा एंड द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स, अब इसके बाद क्या है बच्चों, पी आर के बाद एस हो गया, पी हो गया फिर आर आ गया, ये ना, तो इंक्लूडिंग द कृष्णा एंड द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स विच हैव, सही ना बच्चों, ये विच हैव किसके लिए है, ये दोनों द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स और ये द कृष्णा भी, और ये ऑलरेडी फोर अदर बॉडीज है, इन्हीं के बाद आप ले रहे हैं ना विच, इसका मतलब ये आर सही है, तो हो गया आपका पी आर, फिर एस आ गया, विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 2014 और 2014 के बाद फॉलोइंग द रीऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश, और फिर लास्ट में वर डेजिग्नेटेड टू बी अंडर मिनिस्ट्री हो जाएगा, सही बच्चों, यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले पी, फिर आपका आर, फिर एस, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कोशिश करें बच्चों। चलिए कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं और वही तरीका है बच्चों, किसी भी पार्ट में एरर हो सकता है और तीनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है या केवल एक में हो सकता है, आप तय करें किसमें गलती है, अगर आपने अच्छे से एडिटोरियल पढ़ा होगा तो आप निश्चित ही समझ जाएंगे। दे पॉइंट दैट द सी डब्ल्यू एम ए वॉज क्रिएटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन फेब्रुअरी 2018, पूरे बच्चों क्या गलत है, कौन कौन से पार्ट्स में गलत है या कौन से पार्ट में गलत है? धीरे धीरे देखिए मैं इंप्रूव करता जा रहा हूँ बच्चों चीज़ों को, और आगे और बेहतर ही आपको मिलना है, बस आप सपोर्ट करें, अन्य बच्चों को बताते जाएं, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी वीडियो आप देख रहे हों शेयर करते जाएं, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर दूसरे बच्चों को बताएं। बोले बच्चों क्या गलत है, कौन कौन से पोर्शन, क्या यहाँ कोई गलती है,
दे पॉइंट दैट, पॉइंट यहाँ होता है बच्चों, किसी चीज़ के बारे में अगर आप किसी को बताते हैं तो पॉइंट नहीं होता है बच्चों, पॉइंट आउट होता है। क्या होता है? पॉइंट आउट, ये होता है ना। तो अगर पॉइंट आउट होता है तो कहाँ है यहाँ पे, यानी पहले में एरर हो गए। पॉइंट आउट मीन्स बताना। दे पॉइंट आउट दैट द सी डब्ल्यू एम ए वाज, ये तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ आपने क्या लिया, वाज। सी डब्ल्यू एम ए को क्रिएट किया गया था, पैसिव वॉज है ना, तो वाज क्रिएटेड सही है, किया गया था। ऑन द डायरेक्शन सही है, दिशा निर्देश पर, किसके दिशा निर्देश पर, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले द भी लगा है, सही है, सुप्रीम कोर्ट, इन फेब्रुअरी सही, महीने का नाम है, इसके पहले इन लगा, 2018 सही, यानी सिर्फ एक पार्ट में, ए पोर्शन में एरर है, यानी ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका है, देयर इज एट इंटर स्टेट रिवर वाटर बोर्ड इन द जल शक्ति मिनिस्ट्री। बोले बच्चों क्या गलत, यहां ऑप्शंस मैं सही कर दे रहा हूं, आप देख लें, यहां ए है और ये बी हो जाएगा ऑप्शन, और ये आपका सी हो जाएगा। बोले बच्चों कौन कौन से पार्ट्स में एरर है, ए या बी या सी या ए बी या बी सी या तीनों में। आ रहा है समझ बच्चों, ये तो आना चाहिए प्रश्न आपको, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। देयर इज एट, एट क्या है बच्चों, एट अगर पहले यहां पे है तो एट के बाद जब भी आएगा प्लूरल आएगा, इंटर स्टेट रिवर वाटर बोर्ड कैसे होगा बच्चों नाउन, अगर आप एट ले रहे हैं तो फिर बोर्ड कैसे होगा, ये जब भी होगा क्या हो जाएगा बच्चों, बोर्ड्स हो जाएगा। अब अगर ये बोर्ड्स हुआ तो अगर आठ बोर्ड्स हैं बच्चों, सोचेगा आठ बोर्ड्स हैं अगर, तो आठ बोर्ड्स के लिए देयर तो अपने चलेगा नहीं, बोर्ड्स के अनुसार चलेगा, यहां क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देयर आर एट इंटर स्टेट रिवर वाटर बोर्ड्स इन द जल शक्ति मिनिस्ट्री। क्या जल शक्ति मिनिस्ट्री में है वो, या जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में है वो, अंडर में है बच्चों ना, तो ये इन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, अंडर हो जाएगा, के अधीन, यानी पहले में भी एरर, दूसरे में भी एरर और तीसरे में भी एरर, यहां स्पेलिंग शक्ति के देख लीजिएगा, तो यहां पे आपका तीनों पोर्शंस में एरर, यानी आपका ये एरर इन ए बी एंड सी पार्ट्स हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, इससे आपको कई कमियां दूर होती जाएंगे, जहां जहां भी रहेगा आप देखते जाएंगे। बोले तीसरे में क्या गलत है, ए पार्ट ऑफ मीटिंग द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट द नोटिफिकेशन डज नॉट इन एनी वे अल्टर्स द कैरेक्टर। बोले बच्चों कमेंट करें बच्चों, बताएं आंसर्स बताएं, जब आप लिखते हैं आंसर्स तो वो चीज आपके दिमाग में बैठती है, और अगर दिमाग में बैठती है तो निश्चित ही वो याद रहेगा आपको। आ रहा है समझ में, क्या बच्चों ए पार्ट ऑफ होता है क्या, किसी चीज से अलग अगर आप किसी चीज को रखते हैं तो ए पार्ट ऑफ नहीं, ए पार्ट फ्रॉम होता है, तो यहां ए पार्ट ऑफ के बजाय ए पार्ट फ्रॉम हो गया। फिर अपार्ट फ्रॉम मीटिंग द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, सही है, जो विधिक कार्यवाही, यानी जो प्रोसीजरल, प्रोसीजर समझते हैं ना, कोई प्रक्रिया, यानी जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम यानी उसके अलावा, द नोटिफिकेशन डज नॉट, बच्चों नोटिफिकेशन सिंगुलर है तो डज नॉट सही है, कोई एरर नहीं, द नोटिफिकेशन डज नॉट, और यहाँ चूंकि प्रेजेंट पास्ट का कोई मैटर नहीं है तो यहाँ डिड नॉट, हैज नॉट वगैरह कोई बात नहीं, तो द नोटिफिकेशन डज नॉट इन एनी वे, किसी भी प्रकार से सही है, अल्टर्स द कैरेक्टर, अल्टर्स यहाँ आपकी मेन वर्ब है, और टेंस आपका कौन सा है बच्चों, कौन सा टेंस है, समझ में आ रहा है, जारी रेखा ये कहाँ जा रही है, डज नॉट है ना,
अब डस नॉट लगा है और आप क्या लगाएं, अल्टर्स, अल्टर में एस जोड़ें, कैसे हो सकता है? यानी ये पोर्शन भी गलत है और ये पोर्शन, यानी ए और सी में एरर आपके है, तो यानी ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, यही ना, डी ऑप्शन गलत है आपका। चलिए रिपीट करते रहिएगा, इन चीजों को रिवाइज करते रहेंगे, तैयार हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने हैं तीन, बोले पहले में क्या भरना चाहेंगे, देख लें, पढ़ लें अच्छे से और बताएं क्या बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें। बोले बच्चों, बोले, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, जवाब दिया करें बच्चों, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलती होगी तो आपको समझ में आएगा कहां गलती हो रही है, और नहीं बोलेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा बहुत कि आप वास्तव में कर क्या रहे हैं। इसलिए कमेंट करना सीखें, बताना, मैं भी समझूंगा ना कि आप क्या सोच रहे हैं। आ रहा है समझ बच्चों? चलिए ये देखें क्या आंसर हो सकता है हमारे पास, जो आंसर हो सकता है वो देखें। इफ देयर इज एनीथिंग द सेंटर कैन, यानी कोई भी अगर कोई ऐसी चीज है जो केंद्र सरकार कर सकती है, तो कैन डैश इज द वे, ये वो चीज है द सी डब्ल्यू एम ए फंक्शंस, कि जिस तरीके से सी डब्ल्यू एम ए फंक्शन करता है, तो क्या होगा? इफ देयर इज एनीथिंग द सेंटर कैन बी ब्लेम फॉर, यानी जिसके लिए उसे दोष दिया जा सकता है, बी ब्लेम, बी के साथ ब्लेम कैसे आ सकता है, पैसिव एक्शन कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो मैटर खत्म। ये देखते हैं बी कैन ब्लेम फॉर, अब सेंटर तो ब्लेम नहीं कर रहा है ना, सेंटर पर ब्लेम किया जा सकता है, तो ये मैटर खत्म, एक्टिव एस में नहीं होगा। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर, सही बच्चों, कैन बी ब्लेम्ड फॉर, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। डी देखते हैं कैन ब्लेमिंग फॉर, कोई ऐसी अवस्था ही नहीं है जहां कैन के बाद आप वर्ब प्लस आई एन जी ले लें, यानी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका टेंस वगैरह क्लियर होता जाएगा, वॉइस आपकी क्लियर होगी, कैसे क्या लगाना है। चलिए दूसरे प्रश्न बोले आप, बोले बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, There is eight interstate water board. Sorry, एक मिनट बच्चों, मैं कहाँ आ गया, मैं कहा ये दोबारा मैंने लिख दिया क्या, ये है आपका। बोले Even 2 years after its formation, यानी अपनी formation के 2 वर्ष बाद, formation means निर्माण, किसी चीज का गठन, यानी अपने गठन के 2 वर्षों बाद भी द अथॉरिटी, जो प्राधिकरण है, डैश अ फुल फ्लेज्ड चेयरमैन, क्या होगा? द अथॉरिटी डू नॉट हैव, द अथॉरिटी डज नॉट हैव, द अथॉरिटी डिड नॉट हैड, द अथॉरिटी डज नॉट, ये मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन बच्चों, हर बच्चे को आना चाहिए, टेंस से संबंधित आपके एरर दी गई है। द अथॉरिटी के साथ क्या डू आ सकता है बच्चों यहाँ पे? नहीं, ये तो सिंगुलर इवेंट के रूप में दिखाया जा रहा है। क्या डिड नॉट के साथ कभी भी हैड आ सकता है? कभी नहीं, फिनिश, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश। फिर द अथॉरिटी डज नॉट हैव, है ना, अथॉरिटी के साथ डज और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे द अथॉरिटी डज नॉट हैज, क्या कभी हैज आ सकता है? कभी नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, डज नॉट हैव, नहीं, द अथॉरिटी डज नॉट हैव अ फुल फ्लेज्ड चेयरमैन, अथॉरिटी के पास अभी भी पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं है। चलिए बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, तीसरा देख लें। द पार्टीज शुड रियलाइज, पार्टीज को रियलाइज करना चाहिए दैट की इलेक्टोरल गेन्स आर लॉसेज, जो आपके चुनावी लाभ या हानियां होती हैं, आर नॉट ऑलवेज डैश टू देयर स्टैंड ऑन एनी वन इशू, आर नॉट ऑलवेज लिंकिंग, या आर ऑलवेज, आर नॉट ऑलवेज लिंक, या आर नॉट ऑलवेज लिंक्ड, या आर नॉट ऑलवेज हैविंग लिंक्ड, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है?
बोले बच्चों, कौन सा आपके लिए यहां पर बेस्ट ऑप्शन होगा? लिंकिंग, लिंक, लिंक्ड या हैविंग लिंक्ड? क्या ये हो सकता है आर नॉट ऑलवेज लिंकिंग टू देयर स्टैंड? क्या ये सेंस है यहां पे बच्चों कि उनका इलेक्टोरल गेन्स या लॉसेज जो है आर नॉट ऑलवेज लिंकिंग, वो जुड़ नहीं रहे हैं? क्या ये सेंस हमारा है? नहीं. आर नॉट ऑलवेज लिंक कभी हो सकता है? आर नॉट ऑलवेज के साथ लिंक कभी होगा? कभी नहीं. आर नॉट ऑलवेज लिंक्ड सही है. आर नॉट ऑलवेज लिंक्ड जब भी यूज करेंगे आप पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन आपका चल सकता है. ठीक है, और ये ऑप्शन आपका होगा नहीं. हैविंग लिंक्ड का यहां कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं चलेगा. ये तीन आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमको तैयार करना है. और अब हमारे सामने वो कैप का सेक्शन पूरा है आपका फ्रेजल वर्ब के रूप में. पहले ये देख रहे होंगे बी से सेक्शन आपका शुरू हो रहा है जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं. सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं. स्पेशली बैक आउट अगर आप देख रहे हो यहां पर और बैक अप देख रहे होंगे, ये बैक आउट, बैकअप, बैकअप ये हमेशा एग्जाम्स में आपको आजमाए जाएंगे. पहला जो फ्रेजल वर्ब हमारे सामने है बैक डाउन. बैक डाउन का क्या होगा बच्चों? मेक अ कॉपी ऑफ नहीं होता, किसी चीज की कॉपी बना के रख लेना डॉक्यूमेंट या फाइल वगैरह नहीं होता है. बैक डाउन का नॉट कीप अ प्रॉमिस नहीं होता है. बैक डाउन का विदड्रॉ, कंसीड डिफीट होता है, बिल्कुल होता है. बैक डाउन मीन्स होता है पीछे हट जाना, कंसीड डिफीट, हार स्वीकार कर लेना. ठीक है, बैक डाउन मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? पीछे हट जाना, कंसीड डिफीट, हार स्वीकार कर लेना. जैसे मान लीजिए आपने कोई निर्णय लिया है, आपने कोई निर्णय लिया है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो पूरा होने से पहले ही आपने क्या कर दिया? बैक डाउन कर दिया. तो आप क्या कर गए? आप विड्रॉ कर गए, मीन्स आपने हार मान ली. तो बैक डाउन पीछे हट जाना, विड्रॉ कर लेना, हार मान लेना. नेक्स्ट है बैक ऑफ. बैक ऑफ क्या होता है याद है आपको? बैक ऑफ पीछे हटना, इसके मीन्स भी रिट्रीट करना, अबेंडन एन इंटेंशन या फिर किसी इरादे को क्या कर देना? छोड़ देना. एक तरह से आप देखें अगर ध्यान से तो बैक डाउन और बैक अप एक ही तरीके का है. यहां पे क्या है? हार मानने से संबंधित सिस्टम है आपका, कंसीड डिफीट या विदड्रॉ. और यहां पे है कि आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन फिर आप बैक ऑफ होने लगे, मीन्स पीछे हटने लगे, आपने आगे बढ़ने का इरादा जो है छोड़ दिया, ये बैक ऑफ हो जाएगा. बैक आउट तो कई बार आपने सुना होगा, बहुत बार आप लोगों से प्रॉमिसेस करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, लेकिन जब समझ लेते हैं आप कि चांद तारे तो टूटने वाले नहीं हैं, तो आप बैक आउट कर जाते हैं. मीन्स प्रॉमिस से क्या कर जाते हैं? मुकर जाते हैं. तो बैक आउट मीन्स क्या होता है? वादा तोड़ देना. ठीक है, बैकअप दो दिया मैंने, वैसे बैकअप चार होता है बच्चों, बट जो मेन दोनों थे वो मैंने दिया. एक बैकअप क्या होता है? आप जिसे अपने कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह चलाते हैं तो आपको कभी डर लगता है कि कोई फाइल कहीं मिस न कर जाए, मीन्स इधर उधर न हो जाए, तो आप उसकी कॉपी करके रख लेते हैं. तो लोग कहते हैं इसका बैकअप बना के रख लेना, दिस इज बैकअप. बैकअप मीन्स मेक अ कॉपी ऑफ फाइल, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा. और दूसरा बैकअप क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, जैसे आपके फादर का आपको हमेशा बैकअप मिलता रहता है, किसी भी परिस्थिति में हमारे आपके जो पिता होते हैं वो हमें बैकअप देते रहते हैं, मीन्स क्या करते रहते हैं बच्चों? वो हमें सपोर्ट करते रहते हैं, हमें एनकरेज करते रहते हैं. कोई भी आपका दोस्त ऐसा हो जो दोस्त आपको हमेशा आपको सपोर्ट देता हो, आपको एनकरेज करता हो कि यू कैन यू विल, तो उसका जो सपोर्ट है वो आपके लिए क्या है बच्चों? एक प्रकार का बैकअप है, मीन्स वो सपोर्ट कर रहा है, आपको एनकरेज कर रहा है. ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं. तो पहला बैक डाउन क्या हो जाएगा बच्चों? बैक डाउन किसी कोई योजना आपकी है, यानी कोई निर्णय आपने डिसीजन वगैरह लिया हुआ है लेकिन आप उसे पूरा ना करें,
पीछे हट जाएं उस निर्णय वगैरह से, तो आप विदड्रॉ कर रहे हैं, कंसीड और डिफीट कर रहे हैं। बैक ऑफ क्या होता है? पीछे हटना। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आप आगे बढ़ने का छोड़ करके पीछे वापस आ जा रहे हैं, तो या अबैंडन एन इंटेंशन, आपका कोई इरादा चेंज हो जा रहा है, छोड़ दे रहे आप, तो आप बैकअप बैक ऑफ कर रहे हैं। जैसे आप गाड़ी के सेंस में लेते हैं बच्चों, गाड़ी आप आगे बढ़ाने के बजाय गाड़ी को पीछे ले रिवर्स गियर में ले रहे होते हैं, तो आप बैक ऑफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपको याद हो गया बैक आउट। जब भी आप किसी से प्रॉमिस करें तो उसे फुलफिल करने की कोशिश करें, न कि बैक आउट करने की कोशिश करें। लेकिन ज्यादातर लोग प्रॉमिस को क्या कर देते हैं? बैक आउट कर देते हैं, मीन्स प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, नॉट कीप अ प्रॉमिस। और एक इसमें कोई भी ले सकते हैं आप, एक बैकअप जो आप अपने कंप्यूटर में फाइल्स वगैरह का रखते हैं ताकि आगे वो काम आ जाए, और एक बैकअप जो आपको हमेशा आपके अच्छे लोग, आपके अच्छे दोस्त, आपके पिता, आपकी माता, आपकी बहन, आपके भाई आपको एक बैकअप करते रहते हैं, मीन्स सपोर्ट देते हैं और एनकरेज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूसेस आपके हैं, देख लें। इट इज रिकमेंडेड, यानी ये सुझाव दिया जाता है टू बैकअप, कि आप सुरक्षित रख लें ऑल फाइल्स, सभी फाइलों को, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, यानी सभी फाइलों का आप एक बैकअप बना के रख लें, अर्थात उसकी दूसरी प्रतिलिपि बना के रख लें, ताकि अगर पहली वाली के साथ दिक्कत होती है तो वो फाइलें आपके डॉक्यूमेंट्स काम आ जाए। दूसरा एग्जांपल है, इफ आई टेल द बॉस, यदि मैं बॉस को ये बता दूं, वी हैव गॉट टू मच वर्क, कि हमने बहुत अधिक काम हमको दे दिया गया है, तो विल यू बैक मी अप, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे, क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे, यानी ये बैकअप है। जब भी आप कभी परेशानी में होते हैं तो लोग आपको बैकअप देते हैं, अर्थात आपको इनकरेज करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम मिलेंगे बच्चों, यानी बैकअप देने वाले बहुत कम मिलेंगे। वैसे आप जानते होंगे बैटरी का भी बैकअप होता है बच्चों, ने लोग कहते हैं इस बैटरी का बैकअप बहुत अच्छा है, अर्थात इसकी पावर जो है वो बहुत अधिक है, ये बैकअप भी आपका होता है, और बैकअप पीछे हटना भी होता है एक तरह से। देखें नेक्स्ट एग्जांपल, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प, उसने सहायता करने का वचन दिया था, वायदा किया था, नाउ ही बैकड आउट, अब उसने उस सहायता करने के प्रॉमिस को क्या कर दिया, तोड़ दिया, वो बैक आउट कर गया वो। सेकेंड लास्ट है, द ठग्स बैकड ऑफ, यानी जो ठग थे, धोखेबाज थे, उन्होंने अपनी योजना पे अमल नहीं किया, योजना से पीछे हट गए, यानी अपना जो इंटेंशन था, इरादा था, वो उन्होंने छोड़ दिया। व्हेन, जब दे सा द पुलिस, उन किसको देखा, पुलिस को देखा, तो बैक ऑफ क्या हो गया, इरादे को बदल देना। लोकल अथॉरिटीज बैकड डाउन ऑन देयर प्लान, हमने कहा ना प्लान वगैरह के लिए आप बैक डाउन करते हैं, तो जो लोकल अथॉरिटीज थे, अर्थात जो स्थानीय अधिकारी थे, बैकड डाउन, वो उन्होंने अपनी योजना जो ऑन देयर प्लान, अपनी योजना जो उनकी थी, उसे बैक डाउन कर दिया, छोड़ दिया, टू डिमोलिश द सिनेमा, किस कौन सी योजनाएं जो थी उनकी, सिनेमा को डिमालिश, यानी सिनेमा की बिल्डिंग को डिमालिश करने की उनकी योजनाएं थी, उन्होंने छोड़ दिया, वैसे यहां प्लान्स नहीं, प्लान होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट हमारा बच्चों है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का है, तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि सारी फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, वन वर्ड्स वगैरह जो है, ये सब आप धीरे धीरे तैयार करते जाएं। चलिए पहले इडियम्स देखते हैं बच्चों। पहला ईडियम है आपका ब्रेक द आइस, सोचते जाइएगा। दूसरा अ लिटमस टेस्ट, तीसरा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, चौथा अ हाउस ऑफ कार्स, और पांचवा ब्लैक एंड ब्लू। बोले बच्चों कौन सा ऑप्शंस किसके लिए आप लगाना चाहेंगे, कौन सा ऑप्शन आप किसके लिए लगाना चाहेंगे? ये है आपका ब्लैक एंड ब्लू, तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया आपको, लिटमस टेस्ट आप शायद समझ सकते हैं ऑप्शंस को देख करके। समझ आ रहा है बच्चों कि आपने कोशिश किया कि नहीं आपने, अगर किया आपने तो देख लें। ब्रेक द आइस क्या होता है, बातचीत शुरू करना, ब्रेक द आइस बातचीत शुरू करना, टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन या इंटरेक्शन,
यानी पहले का तो पहला ही हो गया आपका, बातचीत शुरू करना, ब्रेक द आइस। आइस समझ सकते हैं बच्चों क्यों यहां ब्रेक द आइस का एग्जाम्पल आपको दिया गया होगा। आइस क्या होती है? बर्फ। बर्फ के गलने की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन अगर आप उसे तोड़ते हैं तो आवाज होगी, अर्थात एक तरह से वो जो चुप्पी है, शांति है, उसे तोड़ना, अर्थात बातचीत शुरू करना। दिस इज ब्रेक द आइस, मीन्स टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, अ लिटमस टेस्ट। अ लिटमस टेस्ट क्या होता है बच्चों? एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं या जो चीज है वो करेक्ट है कि नहीं, वो कार्य आपका सही है कि नहीं। यानी किसी कार्य की के सही होने का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? लिटमस टेस्ट। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान दिख रहे होंगे, डी हो जाएगा। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इंपॉर्टेंट इडियम है आपका। जब आप तुरंत किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यू आर रेडी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का क्या हो जाएगा? यहां देखिए, विलिंगनेस, अर्थात आपकी इच्छा टू डू समथिंग इंस्टेंटली, जब आप तुरंत क्षण भर में करने के लिए तैयार हो जाए। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अगर ताश के पत्तों का आप हाउस बनाएंगे तो निश्चित ही वो क्या हो जाएंगे? ढह जाएंगे। तो निश्चित ही वो योजना आपकी फेल हो जाएगी। तो अ हाउस ऑफ कार्ड्स क्या हो जाएगा बच्चों? अ पुअर प्लान। सो यू शुड नॉट मेक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी यू शुड नॉट मेक अ पुअर प्लान। लास्ट है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू बहुत बार ऐसा होता है, कभी आपके मतलब कोई ऐसा, मैं नहीं कहूँगा पापा ही आपके, कोई ऐसा किसी ने किसी को बहुत बुरी तरह से मारा हो और मारने के बाद वहाँ बहुत सारे क्या पड़ गए हों? ब्रूसेज आ गए हों, मीन्स बहुत सारे कटे पिटे के निशान पड़ गए हों। दिस इज ब्लैक एंड ब्लू, कहते ना घुस देना, दिस इज घिस देना। तो ब्लैक एंड ब्लू मीन्स फुल ऑफ ब्रूसेज, यानी जब कोई बहुत सारे निशान वगैरह पड़ जाते हैं, घाव वगैरह के, तो वो फुल ऑफ ब्रूसेज हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, जैसे दरवाजा आपके घर में है, कभी कभी दरवाजे के बीच में उंगली फंस जाती है तो वो ब्रूसेज जाती, दब जाती, बिल्कुल चपटी हो जाती, दिस इज घाव से ब्लैक एंड ब्लू। तो पांच ऑप्शन हमारे पास हैं यहां पे बच्चों। ब्रेक द आइस क्या हो जाएगा? बातचीत शुरू करना, सोशल कन्वर्सेशन को शुरू करना। अ लिटमस टेस्ट क्या हो जाएगा? एक ऐसी योजना, जिस योजना के द्वारा, एक ऐसा टेस्ट जिस टेस्ट के द्वारा आप ये समझ लें कि किसी कार्य जो आप कर रहे हैं, कोई कार्य, वो कार्य सही है या नहीं सही है। एट द ड्रॉप ऑफ द ऑफ हैट क्या हो गया? जब आप कोई कार्य तुरंत करने के लिए तैयार हो जाए। अ हाउस ऑफ कार्ड्स क्या हो गया? मीन्स कोई ऐसी योजना, जो योजना सफल, कोई ऐसी प्लान जो सफल होने वाली ना हो। और ब्लैक एंड ब्लू मीन्स बहुत बुरी तरह से जो चोट लगने के निशान पड़ जाते हैं वो ब्लैक एंड ब्लू होते हैं, फुल ऑफ ब्रूसेस। यूसेज भी देख लें इनके, ये आपके हैं। अब हिंदी अपने समझने की कोशिश करिए तो उससे आपको याद हो जाएगा। द यंग लैड, वो जो छोटा सा बच्चा था, वॉज ऑल ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर अ टिफ विद अ रेजिंग सीनियर, यानी गुस्से से भरे सीनियर के साथ टिफ करके, उलझ करके वो जो यंग लैड था वो ऑल ब्लैक एंड ब्लू हो गया, मीन्स बहुत सारी चोटों के क्या पड़ गए? निशान पड़ गए, मीन्स वो पिट गया वो, दिस इज ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्टेट्स न्यू स्कीम, जो राज्य की नई योजना है, टर्नड आउट टू बी, यानी वो उसके बारे में पता चला कि वह अ हाउस ऑफ कार्ड्स है, मीन्स कैसी योजना है वो? बिल्कुल बेकार योजना है, रद्दी की तरह है, अर्थात वो पुअर प्लान है, अर्थात वो योजना सफल होने वाली नहीं है। तो अ हाउस ऑफ कार्ड्स अ प्लान, मतलब एक ऐसा प्लान जो यूजलेस है, बेकार है, पुअर प्लान। तीसरा एग्जाम्पल ले लें, ही एक्सपेक्ट्स मी टू मेक डिनर, वो मुझसे आशा करता है कि मैं डिनर बनाऊंगा एट द ड्रॉप ऑफ हैट, वो भी कब? तुरंत, इवन इफ, भले ही आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूं। तो सोचता है कि मैं बहुत व्यस्त हूं, फिर भी मैं तुरंत ही एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मैं तुरंत ही क्या बना दूंगा? डिनर बना दूंगा। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है टेकिंग अप द जॉब सर्वड एज अ लिटमस टेस्ट फॉर मी टू नो हाउ गुड आई वॉज एट अप्लाइंग माई नॉलेज। टेकिंग अप द जॉब,
यानी जब मैंने वो जॉब लिया, वो कार्य करने का सोचा, लिया उस कार्य को मैंने हाथ में, सर्वड एज अ लिटमस टेस्ट, तो वो जो जॉब थी वो मेरे लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह हुई, अर्थात एक ऐसा माध्यम मेरे लिए बन गई टू नो, जिसके द्वारा मैं जान सकता था हाउ गुड आई वाज, कि मैं कितना अच्छा हूँ एट अप्लाइंग माई नॉलेज, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में। तो लिटमस टेस्ट बच्चों कोई भी ऐसा मेथड जिसके द्वारा हम ये तय कर सकें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत। लास्ट एग्जाम्पल है, एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, लेक्चर की शुरुआत में द न्यू प्रोफेसर ट्राइड, नए प्रोफेसर ने कोशिश की टू ब्रेक द आइस, यानी सामाजिक बातचीत करने पर, यानी बातचीत शुरू करने के लिए बाय टेलिंग अ जोक, और बातचीत शुरू करने के ब्रेक द आइस करने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, एक जोक सुनाने की सोचा उन्होंने। दिस इज व्हाट इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आप तैयार कर लें धीरे धीरे। और इस सेकेंड लास्ट सेगमेंट मेरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो सिर्फ आपको मिलाना है। ज्यादातर तो आप जानते ही होंगे अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, एसेटिक कौन होता है बच्चों, बोले एसेटिक, एसेटिक, एसेटिक वो होता है जो संयमी होता है, जो अपने नित्य आचार विहार को, आचार प्रकार को बहुत संयम के साथ पूरा करता है, वो एसेटिक होता है। तो क्रिटिकल जज नहीं बच्चों, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश नहीं है, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ है ना, एक सादगी भरा जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है, संयमी का जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है वो एसेटिक होता है, यानी वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो सादगी पसंद जीवन जीता हो। बोहेमियन कौन होता है बच्चों, बोहेमियन बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कानून बाली वगैरह पहन करके वो रहते हैं और बड़े बड़े बाल रख करके नई स्टाइल को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, बस उनको नाक में कुछ और पहनने की जरूरत बची रह जाती, वो पहन लेंगे बिल्कुल वो बोहेमियन हो जाएंगे। बोहेमियन कौन होता है बच्चों, बोहेमियन होता है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी रहने की जो एक गैर पारंपरिक शैली है वो क्या है आपका, बोहेमियन शैली होती है। कैनिबल तो आपने जरूर पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़ा होगा, जो आदमी नरभक्षी होता है वो कैनिबल होता है, तो नरभक्षी का क्या हो जाएगा यहाँ, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। शावनिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दो लेवल पे, एक स्पेलिंग एरर के रूप में भी और एक वर्ड सिनोनिम एंटोनिम के रूप में भी। शावनिस्ट वो होता है जो जिंगोइस्ट होता है, और जिंगोइस्ट वो होता है जो पैट्रियाटिक होता है, ठीक है। तो शावनिस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, अ पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव पैट्रियाटिज्म, यानी वो व्यक्ति जो समझता है कि उसी का देश सबसे अच्छा है वो शावनिस्ट होता है, मीन्स एक कह सकते हैं आप कौम परस्त, क्या हो जाएगा, कौम परस्त, जो अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानता हो। और क्वानिसर, ये भी स्पेलिंग एरर में भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सी ओ डबल एन वाई डबल एस ई यू आर होता है क्वानिसर। क्वानिसर कौन होता है, एक पारखी, कोई ऐसा पारखी, कोई ऐसा क्रिटिकल जज जो किसी कला या हस्तकारी का परीक्षण कर सकता हो, वो क्वानिसर होता है, ठीक है। फिर से जल्दी से देख लें, एसेटिक का क्या हो जाएगा बच्चों, एक व्यक्ति जो सादगी भरा जीवन जीता हो, संयम से भरा जीवन जीता हो। बोहेमियन कौन हो जाएगा, जो अनकन्वेंशनल स्टाइल को फॉलो करता हो, या वो स्टाइल ही बोहेमियन हो जाती है। कैनिबल कौन है, जो मनुष्य का मांस खाता हो। शावनिस्ट कौन है, जो जिंगोइस्ट है, पैट्रियाटिक है, या एक्सेसिव अग्रेसिव पैट्रियाटिज्म शो करता है, मीन्स कॉम परस्त है। और क्वानिसर कौन है, एक कला पारखी, जो किसी चीज़ की कला की परख रखता है, ठीक है। और ये लास्ट सेगमेंट है बच्चों आपका सिनोनिम्स, आठ हैं आज आपके पास, मिला करके दिखाएं जल्दी से, ये आपने वही वर्ड्स मैंने दिए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जल्दी से बोलें। मीनिंग्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप कर लेंगे, रडरलेस, पेरिनियल, कॉरपोरेट, डेसिग्नेटेड, फुल फ्लेश्ड, एलिनेट, रिलेंटलेस और प्रेडिसेसर। तो रडरलेस का क्या एग्जाम्पल लिया आपने, मीन्स कौन सा सिनोनिम दिया आपको, रडरलेस, रडरलेस, रडर मीन्स कोई स्ट्रेटजी, कोई गाइडलाइन होती है बच्चों, तो रडरलेस जिसके पास कोई गाइडलाइन, कोई स्ट्रेटजी ना हो, वो रडरलेस होता है। एक ऐसी नाव जिस नाव में पतवार ही ना हो, वो रडरलेस होती है।
वैसे एक व्यक्ति जिसके पास कोई योजना नहीं हो, आगे बढ़ने की कोई प्लानिंग ही ना हो, वो रडरलेस होता है। यूज करेंगे वर्ड तो यूज याद हो जाएगा। अगर आपको वर्ड्स तैयार करने हैं तो वाक्य हिंदी के बोलें, लेकिन उनमें कुछ शब्द जो मेन हो वो इंग्लिश के यूज करेंगे तो याद हो। जैसे पेरेनियल आपको ठीक नहीं आ रहा है और हमें पता चल गया कि पेरेनियल मीन्स होता है कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है। जो कार्य परपेचुअल होता है, कंटिन्यूअस होता है, एवरलास्टिंग होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, वो पेरेनियल होता है। अब हम याद करें कि ये कार्य जो है ना, ये पेरेनियल है, मीन्स लगातार चलता रहेगा। ये कारपोरेट आप समझते होंगे बच्चों, जो औद्योगिक घरानों से संबंधित होता है, निगमित होता है, कमर्शियल होता है, व्यापारिक, वो कारपोरेट होता है। जैसे यह कारपोरेट घराना है, यानी यह एक व्यापारिक घराना है, औद्योगिक घराना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कारपोरेट का कमर्शियल, व्यापारिक। डेजिग्नेट क्या होता है, किसी को पद नामित करना, किसी को नियुक्त करना जो होता है वो डेजिग्नेट होता है। जैसे आप कहें फला एमपी को इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री ने डेजिग्नेट किया है, यानी फला एमपी को उन्होंने नामित किया, नियुक्त किया है इस कार्य के लिए। तो डेजिग्नेटेड जो नियुक्त हुआ हो, अर्थात जिसे एनरोल किया गया हो, यहां है बच्चों एनरोल्ड, नामित। फुल फ्लेश्ड क्या होता है बच्चों, जो चीज़ पूरी तरीके से विकसित हो चुकी हो, अर्थात जो पूरे काल के लिए हो, अब उसमें और अधिक गुंजाइश ना हो, तो फुल फ्लेश्ड मीन्स पूर्णकालिक, पूरे समय के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फुल डेवलप्ड। एलियनेट बच्चों बहुत बार लाइफ में आपके होगा, जहां आपके अपने कभी कभी आपको एलियनेट कर देंगे और आप उनके एलियनेशन के शिकार हो जाएंगे और फिर आप उनके लिए एलियन बन जाएंगे। एलियन पराया, विदेशी, दूसरे ग्रह का। एलियनेट पराया कर देना, अलग कर देना। एलियनेशन परायापन, अलगाव। तो एलियनेट का अगर अलगाव होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये अलग कर देना, टू सेपरेट। रिलेंटलेस क्या होता है बच्चों, जब आप निरंतर प्रयास करें, लगातार कोई कार्य करें, रिलेंटलेस, थके ना आप, मीन्स रुके ना, रिलेंटलेस रहें, दिस इज परसिस्टेंट रहें, निरंतर, लगातार। और प्रेडिसेसर वो होता है जो प्री एग्जिस्ट करता था, आपको प्रिसीड करता था, जो आपसे पहले था। जैसे महात्मा गांधी के कई सारे प्रेडिसेसर्स थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के कई सारे प्रेडिसेसर्स थे, अर्थात उनके प्री एग्जिस्टिंग थे, अर्थात पूर्ववर्ती थे। प्रेडिसेसर का क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। तो ये बच्चों ये एक प्रयास है छोटा सा जो रेगुलर चल रहा है, और आज मेरा ये नवा सेशन है आपका लगातार। आप ये सारी चीज़ें, वन वर्ड्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, और भी बच्चों ये सारा व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सॉरी सेंटेंस अरेंजमेंट, ये चल रहा है। मैंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का नाम लिया, एक दो दिन मैं वो भी इस सेगमेंट में शामिल करूँगा ताकि आपको और अधिक इसका लाभ मिले, ठीक है। मिलते हैं आपसे अभी शाम को 7 बजे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, जहां पर हम आप देखेंगे कि बाकी जो रूल्स हैं, 5 रूल्स हमने आपको पढ़ाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, 6वें रूल से हमारी आपकी फिर शुरुआत हो गई। थैंक यू, हमेशा खुश रहें आप।